हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब दाल रोटी सब्जी ये तो हम हमेशा खाते हैं, पर आज की रेसिपी जो है सब्जी का कुछ अलग फॉर्म है। मतलब सब्जी आप हमेशा बनाते हैं, डेली बनाते हैं, इसमें नई कोई बात नहीं है। पर इस सब्जी में बात नई ये है जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ कि ये सब्जी हमने अलग तरीके से बनाई है। मतलब नॉर्मल सी सब्जी जो आप डेली बनाते हो ना, उसमें आप ट्विस्ट कर दो, मज़ा आ जाने वाला है। डिनर हो या फिर हो लंच, उसमें लग जाएगा चार चांद अगर आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे। है नॉर्मल सी सब्जी, मतलब यहाँ पे हम नॉर्मल सब्जी बनाने वाले हैं, यानी कि आलू बैंगन यही सब का यूज़ करेंगे, पर टेस्ट बहुत ही अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ये रेसिपी बनाना। बनाने के लिए देखिए, मैंने बैंगन ले लिया है, बैंगन लिया है और साथ में आलू लिया है और टमाटर लिया है। इन सभी के इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मतलब इंग्रेडिएंट्स के क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो बैंगन को ऐसा बड़ा बड़ा कट करना है, आलू को ऐसे मैंने कट किया, दो मीडियम साइज़ के आलू थे, और बैंगन का ऊपर वाला जो डंडा होता है ना, वो भी मैंने कट करके लिया है। साथ में पालक यहाँ पे लिया है, फ्रेश पालक। साथ में और सब्जियों में मैंने चॉप कर लिया है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज। अब क्या करेंगे, पैन चढ़ा लेते हैं, पैन में ले लेंगे ऑयल। तो यहाँ पे एक टेबलस्पून के करीब सरसों तेल लेना है, कच्ची घनी। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे पंचफोरन। पंचफोरन में होता है मेथी, सौंफ, जीरा, कलौंजी और सरसों। तो ये हमने ऐड कर दिया। साथ में यहाँ पे तोड़कर ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेने के बाद एक तेज़पत्ता इसमें ऐड कर दीजिए। और अब डाल देंगे यहाँ पे अदरक, और उसके बाद जो है लहसुन डाल देंगे और इसको मिक्स कर लीजिए पहले। अब देखिए, इसको मिक्स करके हल्का सा जो है एक मिनट तक पकाएंगे, लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तब जाकर जो है हमने इसमें ऐड कर दिया ये क्या बोलते हैं हमारा मिर्च। और मिर्च ऐड करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पे प्याज भी ऐड कर दीजिए। तो देखिए, मिर्च और प्याज ऐड करने के बाद मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर कर इसे हम पकाएंगे। तो देखिए, चलाते हुए मिक्स करके इसे पका लीजिए, ये देखिए। और फ्लेम का आपको ध्यान देना है, फ्लेम यहाँ पे आपको रखना है लो टू मीडियम फ्लेम। और देखिए, जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए, प्याज जो है मतलब सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा गोल्डन हो जाए, तब जाकर जो है यहाँ पे आलू ऐड कर दीजिए। तो अभी क्या करने वाले हैं ना, पहले हम जो वेजिटेबल्स को है हल्का सा पका लेंगे, फिर उसके बाद ही मसाले ऐड करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा मैं डबल प्रोसेस नहीं बता रही कि आपको फ्राई करके निकालना है, यहाँ पे हम भून रहे हैं। आपने देखा तेल कम लिया है, पर अगर आप पहले ही वेजिटेबल्स भून लेंगे ना, उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो अभी आलू को जो है ना ढक कर पकने देते हैं। तो ठीक है, इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए, आलू जब सॉफ्ट हो जाए ना, तब जाकर जो है हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे बैंगन। आलू के साथ ही बैंगन ऐड कर दीजिए। तो 10 मिनट मैंने आलू को जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने बैंगन ऐड कर दिया। अब बैंगन को भी भून लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, और इसे भी हम पकने देंगे। तो ये देखिए, इसे मिक्स कर लिया, और साथ में नमक डाल दें ताकि नमक से प्रोसेस और क्विकर हो जाए। तो नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया। नमक ऐड करने से क्या होता है, ये भुनने का प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से जो है मिक्स कर लीजिए इसको भी, और इसे अब हम जो है ढक कर फिर से पकने देंगे। तो ढक कर इसे पकने दें 10 से 15 मिनट। फिर जो 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद, ये देखिए बैंगन सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको दिख रहा होगा बैंगन गल चुका है, मतलब सॉफ्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, मिक्स कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से। अब जाकर जो है यहाँ पे मसाले इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए, आलू भी टूट रहा है, तब जाके जो है ना मैं क्या करूँगी, मसाले से पहले पालक। जी हाँ, पालक जो हमने रखा था कट करके, चॉप करके, उसको रफली चॉप किया था, क्योंकि पालक जो है ऑफकोर्स फिर गल जाता है, वो भी सॉफ्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। तो इसलिए उसको आपको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा भी डालेंगे चलेगा। देखिए, पालक डालकर मिक्स कर लेंगे। तो पालक डालकर मिक्स कर लेना है, और पालक जो है ना अब क्या करेगा, अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो ये देखिए, पालक ऐड कर दिया, मिक्स कर लेंगे। और फिर जो है अब मैं बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। पहले इसको थरेली मिक्स करके जो है एक मिनट पका लें चलाते हुए इस तरीके से, और फ्लेम हल्का सा स्लाइटली मीडियम कर दें। अभी मीडियम फ्लेम करने के बाद जो है हमने टमाटर जो चॉप किया था, मीडियम साइज़ का टमाटर था वो चॉप किया था, वो इसमें ऐड कर दीजिए। टमाटर ऐड करने के बाद इसे भी एक मिक्स दें। मिक्स कर लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसे अब पकाना है। तो यहाँ पे हमने पालक डाला, टमाटर डाला, तो ये सारी जो है वेजिटेबल्स ना अभी पानी रिलीज़ करेगा, और उससे जो है ये पकेंगे और अच्छे तरीके से। उससे पहले यहाँ पे डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं। फिर यहाँ पे जो है 1 टीस्पून के करीब जो है धनिया पाउडर, मिक्स कर लीजिए इन दोनों को अच्छी तरीके से। तो देखिए, इसे अच्छी तरीके से थरेली मिक्स कर लेना, और आपको दिख रहा होगा कि ये पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये जितने वेजिटेबल्स हैं ये सारे पानी रिलीज़ करने लगे, आप देख सकते हैं।
मिक्स कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से। और फ्लेम का ध्यान देना है कि फ्लेम आप रखें मीडियम, तो यहाँ पे लो टू मीडियम पे ही आप करते हुए कुक करें, मीडियम कर लें फिर चाहें तो बीच में लो कर लें। और इसी तरीके से जो है हमें कुक करना है। थरेली जो है मसालों को मिक्स कर देंगे। और ये सब्ज़ी बनाना ना बिल्कुल आसान है, मतलब अगर नॉर्मल डेली कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो हम बोर हो जाते हैं, कई बार तरीका चेंज करके देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो बस अब क्या करेंगे, इसे जो है हम ढक कर पकने देंगे। तो ढक कर जो है हमने इसे पकने दिया 10 मिनट। और 10 मिनट पक जाने के बाद ये देखिए सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से जो है पक चुके हैं, गल चुके हैं, मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू अच्छी तरीके से पक चुका है, बैंगन पक चुका है, सारे वेजिटेबल्स थरली पक चुके हैं, आप देखिए सब सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस जो है इस टाइम पे हमें जब सारे वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाना तब जाके जो है आपको डालना है गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। और इस मसाले के पाउडर को ऐड कर लेने के बाद मिक्स कर दीजिए। तो लास्ट में ही आपको मसाले ऐड करने होते हैं। ध्यान दें कि शुरू में क्यों नहीं ऐड करा, शुरू में ऐड करने से क्या होता है ना मसाले का फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट इसे ढककर और पकने देंगे लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट ऐसे लो फ्लेम पर और पकने दिया और इससे क्या हुआ, मसाले का सारा फ्लेवर जो है वेजिटेबल्स के अंदर अच्छी तरीके से चला गया है। तो ये प्रोसेस जो है आप फॉलो करें। लास्ट में जो भी मसाले हो, पनीर की सब्ज़ी हो, नॉर्मल सब्ज़ी हो, मसाले शुरू में मत ऐड करें, गरम मसाला स्पेशली। हल्दी वगैरह तो इनिशियल में ही डालते हैं, पर जब ये गरम मसाले की बारी आती है ना वो लास्ट में ही डालें। उससे क्या होगा ना, सब्ज़ी में फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आता है। गैस को कर दीजिए बंद, हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब निकाल कर इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करते टाइम जो है आप निकालिए इसको, आप चपाती फुलके वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ बेस्ट लगता है, अजवाइन का पराठा बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये पराठा और सब्ज़ी। इनफैक्ट आप लंच में पैक करके दे सकते हैं, टिफिन्स में बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए जो स्कूल लंच बॉक्स वगैरह होता है आप उसमें दे सकते हैं। इनफैक्ट लंच के टाइम, डिनर के टाइम, एनी टाइम ये बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और तो और इस रेसिपी को बनाना, आपने देखा क्या ही हमने यूज़ करा, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स थे, सिंपल रेसिपी, बहुत ही क्विक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अपने नॉर्मल सी जो रेसिपी होती है सब्ज़ी की उसको थोड़ा सा चेंज करिए, मेरी वाली रेसिपी फॉलो करके देखिए, आपको बेहद पसंद आने वाला है। आप चाहें तो इसको दाल और राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पूरियां के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। नॉर्मल की सब्ज़ी का गेम चेंजर है ये। तो बस इसे बनाइए और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।